हेलो, आई थिंक आपको वॉइस आ रही है ना? कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर, ये माइग्रेशन। माइग्रेशन हमारे यहाँ तक हो गया था इम्पैक्ट इफेक्ट तक, है ना? इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन दो तरह के इफेक्ट्स में पड़ते हैं, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स। इकोनॉमिक इफेक्ट्स मतलब क्या? या पैसे जॉब वगैरह की बात होती है। सोशल इफेक्ट्स मतलब क्या? सोसाइटी की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। सर, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन मतलब क्या? स्टार्टिंग बढ़ आए थे ना, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक है। फिर वो आपने पढ़ा था टेम्प्ररी इमिग्रेशन, ठीक है। ये तो वर्ड्स थे, इन सभी के मीनिंग अब हमें यहाँ पे समझने हैं। अब ये जो इतने सारे टाइप्स थे ना माइग्रेशन के, इतने सारे टाइप्स थे, ये सारे हमें समझने हैं। आप दो मिनट वेट करो, जरा मैं गेट बंद करके आता हूँ, ठीक है। दो मिनट में जरा मैं मैसेज कर दूँ आपका मैसेज। चलो ठीक है, बाद में कर दूँगा। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन डिपेंड ऑन द फ्लो एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। वो कह रहा है इतने टाइप्स के माइग्रेशन, इतने टाइप्स के माइग्रेशन ये डिपेंड करते हैं। डिपेंड करते हैं किन चीज़ों पर? दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, फ्लो ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पीपल। फ्लो ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल एंड देयर रीज़न, उनका रीज़न क्या जाने का, और द टाइम दे स्पेंड इन द माइग्रेशन, द टाइम दे स्पेंड इन द माइग्रेशन, वो कितना टाइम वो लगाते हैं माइग्रेट करने में, और नेचर के क्या नेचर उनके माइग्रेट करने का। इन सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, तो समझ में नहीं क्या तरीके हैं क्या नहीं। अरे अभी समझ में आएंगे, अभी समझ में आएंगे, अभी समझ आएगा। इतने 1 2 3 4 5 है ना, 5 वर्ड्स हैं, सभी का मीनिंग अभी समझ में आएगा जब आप अंदर के डेफिनेशन पढ़ोगे तब। पहला वर्ड है इमिग्रेशन, नॉट एमिग्रेशन, इट इज इमिग्रेशन। क्या है ये? इमिग्रेशन। नीचे जस्ट क्या एमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन मतलब क्या? मेन वर्ड इसमें क्या है? इंटरनेशनल मूवमेंट। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हो, तो उसको इमिग्रेशन निकल जाएगा। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे इमिग्रेशन कहा जाएगा। इमिग्रेशन इज द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ विच दे आर नॉट नेटिव। मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, दूसरी कंट्री के आप नेटिव नहीं हो, दूसरी कंट्री के आप क्या हो? नेटिव से नहीं हो, आप दूसरी कंट्री के रहने वाले हो नहीं, फिर भी आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। वैन पीपल क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। तो अब ये चाहते हैं इमिग्रेशन करने वाले लोगों को क्या क्या को क्या कहा जाएगा? इमिग्रेंट्स। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री विच दे लीव दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। अब एक चीज और है, एक चीज और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रिक ये क्वेश्चन बना सकते हैं। वो कह रहा है वो लोग जो जाते हैं, वो लोग जो जाते हैं एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री को छोड़कर जाते हैं, एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, उन लोगों को इमिग्रेंट्स बोला जाता है। इमिग्रेंट्स बोला जाता है, ठीक है, ये तो जनरली बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें
उस कंट्री के नज़रिए से सोचा, उस कंट्री के नज़रिए से सोचा जिस कंट्री को आप छोड़कर जा रहे हो, तो उस कंट्री के नज़रिए से आप इमिग्रेंट्स नहीं एमिग्रेंट्स कहलाओगे, आप क्या कहलाओगे, एमिग्रेंट्स कहलाओगे, ठीक है। तो कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा, कंट्री के पर्सपेक्टिव से जिसको छोड़कर जा रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से आप क्या कहलाओगे, इमिग्रेंट्स, और जनरली आप क्या कहलाओगे, इमिग्रेंट्स, ठीक है। ये तो हो गया इमिग्रेशन। सर इमिग्रेशन का मेन टेक्स क्या था, अगर आप समझाना चाहते हो चार पैराग्राफ का, चार वो इतनी सिक्स सेवन लाइन्स का मीनिंग अगर आप शॉर्ट में बताना चाहते हो तो क्या है इसका शॉर्ट मीनिंग, यही है इसका शॉर्ट मीनिंग, यही है इसका क्रक्स, यही है कि अगर आप इंटरनेशनल मूवमेंट करते हो, इंटरनेशनल मूवमेंट करने का मतलब कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, तो उसको इमिग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। इमिग्रेशन क्या है मतलब, ठीक है, इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, लिविंग वंस रेजिडेंट कंट्री, आप जहाँ रहते हो आप वहाँ से क्या चले गए, आप वहाँ से कहीं और चले गए, वहाँ से कहीं और चले गए। सर ये भी तो वही है, ऊपर वाला भी था, ऊपर भी तो हम कंट्रियाँ छोड़ रहे थे, यहाँ पे भी कंट्रीज छोड़ रहे हैं, ऊपर भी हम अपनी कंट्री को छोड़ रहे थे, यहाँ पे भी हम अपनी कंट्री को छोड़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस डिफरेंस। यहाँ पर हमारा इंटेंशन है ना, वो क्या है, वहाँ पर रहने का, हमेशा के लिए वहाँ पर रहने का। एमिग्रेशन में हमारा इंटेंशन होता है हमेशा के लिए सेटल होने का, ठीक है। इमिग्रेशन में हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता, इमिग्रेशन में तो हम जाते आते जाते रहते हैं ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरी से तीसरी कंट्री में, ऐसे लोगों को बोलते हैं इमिग्रेंट, और ऐसे मूवमेंट को लेगा इमिग्रेशन। लेकिन आप एक और जा रहे हो दूसरी कंट्री में, लेकिन आप हमेशा के लिए रहने जा रहे हो, हमेशा के लिए आपका इंटेंशन क्या है कि आप बस अब यहाँ से वहाँ पर, आप यहाँ से जा रहे हो, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलेगा इमिग्रेशन। क्या बोला जाएगा इसको, इमिग्रेशन। आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा इमिग्रेंट। इट इज स्पेशली माइग्रेशन फ्रॉम योर नेटिव कंट्री, आप जहाँ के रहने वाले वहाँ से आप किसी दूसरे में जाते हो तो सेटल इन होता है, दूसरी सिटी में सेटल होने के लिए जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है कि आयरिश फेमाइन थी, आयरिश की रहने वाली कुछ लेडीज थी, उन्होंने अपना मूवमेंट किया था और अमेरिका चली गई थी कुछ टाइम के लिए। वो क्या कह रहा है, जो मैंने ऊपर बताया था वही लिखा हुआ है, बोथ इमिग्रेशन एमिग्रेशन आर एक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही माइग्रेशन के टाइप्स हैं, और एक ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज होती है, हमें एक कंट्री से छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है दोनों में ही। तो कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ इमिग्रेशन, अब अगर इमिग्रेशन के एग्जाम्पल लेने से तो क्या होगा, आयरिश पीपल दैट अराइव्ड इन टू यूएस ड्यूरिंग द फेमाइन, जो यूएस आए थे आयरिश लोग जो यूएस आए थे वो इमिग्रेशन के एग्जाम्पल है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वापस चले गए थे। ऑन द अदर हैंड पीपल दैट अराइव्ड इन द फेमाइन आइलैंड ड्यूरिंग द फेमाइन वर रेफर्ड टू एज इमिग्रेंट्स बाय द पीपल लेफ्ट बिहाइंड इन द आइलैंड। इसको छोड़ दो, इस लाइन को भी छोड़ दो, इसको हम पीक कर लेते हैं, उसको बाद में समझ लेंगे, अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कुछ और है, अब इसको छोड़ दो, इस लाइन को क्या लिखा होगा। हाँ ये डिफरेंस है सर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स गिव द माइग्रेशन बैलेंस। छोड़ो ये भी कुछ हाँ, क्या लिखा हुआ है ये, आपको डिफरेंस नहीं बताया इन्होंने, है ना, छोड़ो इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं बताया, मैंने आपको जो बताया बस वही है। इमिग्रेशन में कोई इंटेंशन नहीं होता, इमिग्रेशन में आपका इंटेंशन होता है कि आप एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में हमेशा के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ थोड़ी देर में समझाता हूँ। क्या कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स गिव द माइग्रेशन बैलेंस। वो कहता है इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स का जो डिफरेंस है वो माइग्रेशन को बैलेंस देता है, माइग्रेशन को बैलेंस करता है। तो मतलब क्या, हाँ तो दोनों एक ही बात, तो क्या ये बात कर रहा है, तो एग्जाम्पल देखो फिर समझ में आएगा आपको। वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल जमैका हैज अ नेट माइग्रेशन लॉस because it has lost more people through immigration than it gained through immigration. वो कह रहा है पहले में क्या लिखा होता है कि इमिग्रेशन जो नंबर ऑफ जो इमिग्रेशन होता है जो इमिग्रेंट होता है वो क्या करते हैं, माइग्रेशन को बैलेंस करते हैं। तो बस तीनों वर्डों का रिलेशन समझो, माइग्रेशन एक बड़ा वर्ड है, फिर माइग्रेशन के कुछ टाइप्स हैं, इमिग्रेशन और
माइग्रेंट्स इमिग्रेशन मतलब क्या, दूसरी कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बोलेगा इमिग्रेंट, इमिग्रेंट है ना, लेकिन हमारे कंट्री के लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे अपने सर से, एमिग्रेंट्स क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट्स। तब कह रहे हैं इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स ये जो नंबर है दोनों के, ये ना क्या करते हैं माइग्रेशन को बैलेंस करके रखते हैं। बैलेंस करके रखते हैं मतलब क्या, बैलेंस करके रखते हैं सर इसका मतलब क्या, इसके लिए आपको एग्जाम्पल दो सर, मतलब क्या कह रहा है वो, इन्होंने जमैका कंट्री ली है, हम भी जमैका ही ले लेते हैं, आपको जमैका तो पता ही नहीं होगा, तुम जमैका नहीं लेते, हम ऐसे कंट्रीज के नाम लेते हैं जो आपको पता है। सर US पता है मेरे को, अच्छा इंडिया पता है आपको, हाँ इंडिया आप रहते हो जहाँ पर, ठीक है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है सर, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है बताओ बताओ बताओ, इंडिया की पॉपुलेशन पता ही नहीं, पता आपको क्या पता है, रुक जाओ समझते हैं फिर एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से समझते हैं टॉपिक को, बाद में आपके काम में भी आएंगे ये वर्ड्स। इंडिया ये है, काउंट कर पा रहे हो नंबर्स को, नंबर्स पढ़ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, और इंडिया की US की, सर US की तो कम है, हाँ हमारे इंडिया से कम है, हमारे इंडिया से तो कम है सर, हम तो सोचते थे कि यूएस की ज़्यादा होती होगी ना, यूएस में बहुत कम लोग रहते हैं, यूएस है ही कितना बड़ा, यूएस बहुत छोटा है, यूएस बहुत छोटी जगह है। चलो पॉपुलेशन बता सकते, चलो आप इतने खतरनाक खतरनाक नंबर लिखोगे क्या, नहीं ये तो मैं बस आपको जनरली बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा ध्यान रखा करो आपके जीके वगैरह। लेट सपोज करते हैं, लेट सपोज करते हैं, लेट सपोज करते हैं, हैंग हो गया क्या वो, हाँ एज्यूम करते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन सर यहाँ 100 लोग रहते हैं, इंडिया में भी 100 लोग रहते हैं, ठीक है ठीक है, इसमें यहाँ पे सर क्या हुआ, 5 कुंद्राज रहते हैं, अभी क्या रहते हैं 100 के अंदर ही क्या रहते हैं, 5 कुंद्राज रहते हैं सर, 5 ज़्यादा लिखो ना, 11 12 लिखो, नहीं हम 5 ही लेते हैं, ठीक है ठीक है, और सब उसको यहाँ पे 6 गुप्ता जी रहते हैं, ठीक है ठीक है, आप सोचा इन कुंजराज ने सोचा, आह है ना, कुछ कुंजराज थे हमारे यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने सोचा कि इंडिया ना बेकार जगह है, इंडिया से हम चले जाते हैं, इंडिया से हम चले जाते हैं, इंडिया से हम चले जाते हैं सर, हमेशा के लिए जाना चाहते हैं क्या वो, नहीं हमेशा के लिए नहीं जाना चाह रहे, हमेशा के लिए नहीं जाना चाह रहे, हमेशा के लिए नहीं जाना चाह रहे, हमेशा के लिए नहीं जाना चाह रहे वो, 2 सेकंड रुकना,
चलो ठीक ठीक है। इन्होंने सोचा कि हम वहाँ पर ना कुछ टाइम के लिए रहने जाते हैं, हम वहाँ पर ना कुछ टाइम के लिए रहने जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आप वहाँ पर चले गए, कुछ टाइम के लिए हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो लोगों को क्या बुलाएगा ये, कुछ टाइम के लिए हमेशा के लिए कुछ टाइम के लिए तुमको क्या बुलाएगा? इमिग्रेंट है ना, इमिग्रेंट्स बोला जाएगा है ना सर। इनको इमिग्रेंट्स कौन बोलेगा? इनको इमिग्रेंट्स पहले तो समझा, इनको इमिग्रेंट्स कौन बोलेगा? इनको जो यूएसए वाले लोग हैं ना, यूएसए वाले तो इनको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट्स। ठीक है, लेकिन जो इंडिया वाले होंगे ना, इंडिया वाले पता इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि इंडिया को ही छोड़ के गए हैं, इंडिया वाले इनको बोलेंगे इमिग्रेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? इमिग्रेंट्स। तो ऐसा क्यों? हाँ, साइड बाई साइड का फर्क है। इमिग्रेंट्स इनको क्या बोलेंगे? इंडिया वाले इनको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट्स। ठीक है, इंडिया वाले इनको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट्स। तब तो आपको समझ में आ गया कि लोग वही हैं, कोई इमिग्रेंट्स बोल रहा है, कोई इमिग्रेंट्स बोल रहा है। सर इमिग्रेंट्स कौन बोल रहा है? जहाँ पर आप जा रहे हो तो आपको बुलाने वाले, जो वेलकमिंग कंट्री है, जो आपका स्वागत करेगी, वो तो आपको क्या बोल रही है? इमिग्रेंट्स। और जहाँ से आप जा रहे हो, वहाँ के लोग आपको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमारा कंसर्न था। फिर वो कह रहा है सर ये गुप्ता जी ना, ये भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, ये भी यहाँ पर सेटल होना चाह रहे हैं। तो सर देखा जाए यहाँ पर 100 में से, यहाँ पर देखा तो अब फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ की पॉपुलेशन में फ़र्क क्या पड़ा? पॉपुलेशन में फ़र्क क्या पड़ा, ज़रा ये बताओ। पॉपुलेशन में अगर फ़र्क क्या पड़ा तो फ़र्क बताना, फ़र्क क्या पड़ा? सर यहाँ पे 100 थे, 100 में 600 चले गए, 6 चले गए, 5 आ गए, 5 आ गए, टोटल रह कितने लोग गए? 99। यहाँ से 5 चले गए, 6 आ गए, टोटल लोग कितने रह गए? 101। तो आपको नहीं लगता कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बैलेंस रही? नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बैलेंस रही, बैलेंस मतलब कि सर ऑलमोस्ट 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 एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रही। सर यहाँ पर 19 रह गए, 99, यहाँ पर 101। सर कितना डिफरेंस पड़ा? एक एक तो फ़र्क पड़ा, जबकि लोग गए कितने, यहाँ से 5 गए, वहाँ से 6 गए हैं, लेकिन फ़र्क कितना पड़ा? केवल एक एक का, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या रही पॉपुलेशन है ना, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स की वजह से है। तो टोटल माइग्रेशन जो हुआ लोगों का, लोगों का जो आना जाना हुआ वो थोड़ा बैलेंस रहा नहीं रहा, बैलेंस मतलब क्या, ज़्यादा चेंज नहीं आया, एक नॉर्मल ही चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया, नॉर्मल चेंज ही आया, नॉर्मली तो आया था। ठीक है, तब वो यहाँ जोशी मैंने समझाई वही, इसको आपको ये एग्जांपल देकर बता रहे हैं। वो कहते जमैका एक कंट्री है, हैज़ नेट माइग्रेशन लॉस। सर नेट माइग्रेशन लॉस क्या होता है? नेट माइग्रेशन लॉस क्या होता है? तो समझो नेट माइग्रेशन लॉस क्या होता है, यहाँ पे 100 थे, 100 लोग थे, लेकिन कुछ लोगों का माइग्रेशन हुआ, यहाँ पे इमिग्रेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो उससे आपके पॉपुलेशन पे, क्या फ़र्क पड़ा? कम हुए ज़्यादा हुए? सर कम हुआ ना सर, कितने कम हुए? एक कम हो गए, तो उसको बोलते हैं नेट माइग्रेशन लॉस। इसको क्या बोलेंगे? नेट माइग्रेशन लॉस, लिख लो यहाँ पे नेट माइग्रेशन लॉस। सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे का फायदा हो गया, इसको बोलेंगे नेट माइग्रेशन गेन, नेट माइग्रेशन गेन। तो दोनों टर्म्स मैंने आपको समझा दिया, नेट माइग्रेशन लॉस, नेट माइग्रेशन गेन। सर यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर फायदा हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे नेट माइग्रेशन गेन, यहाँ पर लॉस हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे नेट माइग्रेशन लॉस। ठीक है सर, जमैका एक कंट्री है, उसको लॉस क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट मोर पीपल। इसके यहाँ से जो लोग गए थे ना वो ज़्यादा थे। तो देखो
यहाँ से जाने वाले लोग ज्यादा हैं, जाने वाले लोग ज्यादा हैं तब इसका लॉस हुआ था। तो लॉस हमेशा कब होगा, जब जाने वाले लोग ज्यादा होंगे। ओके, इट हैज लॉस्ट, इट हैज लॉस्ट मोर पीपल थ्रू इमिग्रेशन। इसके यहाँ से जो लोग गए थे ना वो ज्यादा थे, वो ज्यादा थे। देन इट गेंड थ्रू इमिग्रेशन, देन इट गेंड थ्रू इमिग्रेशन। सर यहाँ से जो 6 लोग गए हैं इनको भी क्या बोलेगा, यूएस वाले इनको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स तो बोलेंगे इमिग्रेंट्स, और ये यूएस वाले इनको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स। तो इनके इमिग्रेंट्स कितने 6 और इमिग्रेंट्स कितने 5, यानी इमिग्रेंट्स जाने वाले ज्यादा हैं। तो भी कह रहा है जाने वाले जो थे वो तो कम थे, और जो आने वाले हैं गेंड मतलब आने वाले वो क्या थे, ज्यादा थे। तो आने वाले यानी इमिग्रेशन, जाने वाले इमिग्रेशन। तो मतलब जाने वाले ज्यादा थे, आने वाले कम थे, इसलिए इनका क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑन द अदर हैंड हांगकॉन्ग, एक कंट्री है हांगकॉन्ग, तो हांगकॉन्ग जैसे हमने यहाँ पे दो कंट्री ली, यूएस और इंडिया, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल इसका दिया है जमैका और हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहा, हांगकॉन्ग में आने वाले लोग ज्यादा थे, इमिग्रेंट्स ज्यादा थे, इमिग्रेंट्स मतलब कि आने वाले बाहर से, एज कम्पेयर टू इमिग्रेंट्स, एज कम्पेयर टू अपनी कंट्री से जाने वाले, तो वहाँ पे कम थे, तो वहाँ पे इनको क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, कोई जरूरत नहीं है आपको, मैंने ये समझा दिया। इन द 19th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी मैनी पीपल मूव्ड टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर कॉलोनाइजिंग न्यू एरियाज। वो कह रहे हैं 19th सेंचुरी में काफ़ी लोग अलग अलग कंट्रीज में चले गए, जैसे क्यों, फॉर कॉलोनाइजिंग न्यू एरियाज, नई नई जगह ढूंढने के लिए, नई नई जगह ढूंढने के लिए, और उनको अपना वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बसाने के लिए। एग्जाम्पल इंक्लूड पिलग्रिम्स हु सेल्ड टू न्यू इंग्लैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। सिमिलरली व्हाइट यूरोपियंस मूव टू साउथ अफ्रीका टू सेटअप एंड मैनेज गोल्ड माइंस एंड शुगर प्लांटेशंस। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं 19th सेंचुरी में कैसे लोगों ने एक दूसरे वो अलग अलग जगहों पर इमिग्रेंट या इमिग्रेंट या इमिग्रेंट किया, इमिग्रेशन या इमिग्रेशन किया। तो वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि पिलग्रिम्स कुछ लोग थे जो कहाँ गए, इंग्लैंड गए, जो कहाँ गए, सेल टू न्यू इंग्लैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, है ना, जो न्यू इंग्लैंड गए सेल करते हुए यानी बोट के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली वो कह रहे हैं कुछ वाइट यूरोपियन से जो कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका भी गए थे, और उन्होंने वहाँ पे क्या जाके क्या किया था, गोल्ड माइन से शुगर के प्लांट इस्टेब्लिश किए थे। तो वो लोग जाते रहते हैं, ठीक है, तो वो बता रहे हैं उसने। एक कह रहे हैं डोमेस्टिक या फिर इंटरनल, डोमेस्टिक या फिर इंटरनल माइग्रेशन। डोमेस्टिक और इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, इंटरनल मतलब क्या समझो, अंदर ही अंदर, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, यानी क्या बात, कंट्री टू कंट्री नहीं हो रही, कंट्री के अंदर ही हो रही है। अब एक ना कंट्री के बाहर नहीं, कंट्री के अंदर ही घूम रहा है, अब इंसान कंट्री के बाहर नहीं, कंट्री के अंदर ही घूम रहा है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक माइग्रेशन, फिर इंटरनल माइग्रेशन। इसको और भी क्या बोलते हैं, अब पहला इसमें टाइम बताया रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब क्या, रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज के लोग, और अर्बन एरियाज के लोग रूरल एरियाज में जा रहे हैं, सिंपल सा। दिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज और कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब क्या, गाँव, रूरल एरियाज को ही कंट्री साइड बोलते हैं, और कंट्री साइड को हम विलेज बोलते हैं। तो वो कह रहा है पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है, जब रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में जाते हैं ऑफ द सेम कंट्री, यानी आप एक ही कंट्री में रह रहे हो, बस आप गांव से शहर में जा रहे हो, ठीक है, इसलिए इन सर्च ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ स्टाइल, इन सर्च ऑफ न्यू जॉब एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ स्टाइल। जॉब के लिए किसी आप रहना चाहते हो, स्टैंडर्ड लिविंग आप इम्प्रूव करना चाहते हो, इसलिए आप जाना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं रूरल रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इज ऑफ डिफरेंट टाइप। वो कह रहा है ये माइग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। सर पहला, वन इज टू सेटल डाउन परमानेंटली, एक तो आप हमेशा के लिए वहाँ पे परमानेंटली सेटल होना चाहो, ठीक है, ठीक है, आप हमेशा के लिए वहाँ पे क्या होना चाहो, क्या है ये लोग, ठीक है। वन इज टू सेटल डाउन परमानेंटली इन द अर्बन एरियाज ऑफ देयर चॉइस, या तो हमेशा के लिए अपनी मनपसंद जगह पर आप क्या होना चाहते हो, परमानेंटली सेटल होना चाहते हो। इन अदर वन और इन द अदर वन, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, माइग्रेंट हैज अ रूरल बेस एंड ही कैन माइग्रेट रैपिडली और डिफरेंट ड्यूरेशन। वो कह रहा है अब इंसान हो सकता है वो थोड़े टाइम पे ले, रिपीटली मतलब थोड़े टाइम पे ले जाता है फिर आ जाता है, थोड़े टाइम पे जाता है फिर आ जाता है, फिर थोड़े टाइम पे जाता है आ जाता है। जैसे कि जॉब वाले लोग होते हैं, वो कुछ महीनों के लिए शहर आते हैं, काम करते हैं, काम हो जाता है, फिर घर पर वापस चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम अपने घर पर रहते हैं, फिर पैसे कमाने के लिए फिर बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो रिपीटेडली क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, या फिर कुछ ड्यूरेशन के अलग अलग टाइम पे करते हैं,
ऐसा तरीका हो सकता है। तो वो कह रहे हैं इन इंडिया रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल माइग्रेशन इज इम्पोर्टेंट। वो कह रहे हैं इंडिया में तो ये जरूरी भी है, इन इंडिया में तो ये जरूरी भी है। इन इंडिया मैनी अर्बन सिटीज आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। वो कह रहे हैं इंडिया में अर्बन सिटीज तो क्या कर रही हैं, जॉब क्रिएट कर रही हैं, एंड एज अ रिजल्ट मोर माइग्रेंट्स आर कमिंग इनटू द सिटीज। और इसलिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं। सर कौन कौन सिटीज में आ रहे हैं, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई एक्सेट्रा। सिमिलरली फार्मर्स लिविंग इन रूरल एरियाज आर ऑल्सो मूविंग टू अर्बन एरियाज। और ये और इसी तरह से फार्मर्स भी जो कि रूरल रूरल एरियाज में रहते हैं वो भी कहाँ पर आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। ठीक है छोड़ो, है ना। अभी आपने पढ़ा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक की बेसिकली हेडिंग भी क्या कह सकते हैं, रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। सर रूरल अर्बन में क्या होता है, अर्बन के लोग रूरल एरियाज में आते हैं, रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में आ रहे थे। अब इसमें क्या होगा, अर्बन अर्बन में अर्बन एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में रहेंगे। सर मतलब क्या, अब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे, अब एक सिटी से गाँव में नहीं ना, गाँव से सिटी में, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे। तो वो कह रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, ये भी एक तरह का इंटरनल माइग्रेशन है। इट रेफर्स टू पीपल विद इन अ कंट्री मूविंग टू अनदर लोकेशन विद इन इट्स बॉर्डर। वो कह रहे हैं अपने कंट्री के अंदर मूव करते हुए सिंपल सा, पीपल माइग्रेट ड्यू टू सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ये अपने ऊपर पढ़ाइए कि लोग माइग्रेट करते क्यों हैं, ये में से कुछ वजह होती हैं। ठीक है, अभी तक मीनिंग नहीं बताया इन लोगों ने, अब बता रहे। दिस रेफर्स टू चेंज ऑफ रेजिडेंस विद इन नेशनल बाउंड्रीज सच एज बिटवीन स्टेट्स और प्रोविंसेस और सिटीज एंड म्युनिसिपैलिटी। वो कह रहे हैं दिस रेफर्स टू चेंज ऑफ रेजिडेंस, आप अपनी रहने की जगह चेंज कर रहे हो। सर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो आप स्टेट चेंज कर रहे हो अपनी, आप यूपी से एमपी चले गए, एमपी से यूपी आ गए। प्रोविंसेस आज के टाइम पर नहीं होते हैं अपने इंडिया में, तो प्रोविंसेस वर्ड को इग्नोर कर दो। सिटीज आप आगरा से मथुरा चले गए, मथुरा से आगरा आ गए। म्यूनिसिपालिटीज आप एक म्यूनिसिपालिटी से दूसरी म्यूनिसिपालिटीज में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह के सब कम क्या बोलते हैं, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, है ना। फॉर एग्जाम्पल पीपल मूविंग फ्रॉम यूएस, सर कुछ लोग यूएस से कनाडा चले गए न्यू जॉब के लिए, और मूविंग फ्रॉम साउथ साइबेरिया टू साउथ एशिया फॉर बेटर वेदर कंडीशन। तो क्या सर इसको क्या कहा जाएगा, अगर आप कहो ना सर यूएस से कनाडा चला गया तो कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज हो गई, तो नहीं, यूएस और कनाडा एक ही कंट्री है क्या। अब ऐसे बात मत करो, आपको यूएस वाले एक चैप्टर पढ़ाया भी था, कनाडा वाले भी चैप्टर पढ़ चुके हो। तो यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री है, यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री सर, ये तो अनुभव छोटा है, मैंने बोला छोटा, लेकिन मेरा यहाँ पे छोटे बोलने का यूएसए से था, यूएस से नहीं, यूएसए। अगर यूएसए की बात करें तो छोटा है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कम बोलते हैं यूएसए, तो मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम केवल यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर क्या कहता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, कैनेडा, ये सारी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो आप एक ही, आप अब इनको क्या बोल रहे थे, प्रोविंस बोला था, क्या बोलते हैं इनको, प्रोविंस ऑफ स्टेट। अगर एक वो कोई बंदा यूएस से कनाडा चला गया तो उसका मतलब है कि उन्होंने किया प्रोविंस चेंज किया है। दो मिनट को आपको बहुत साथ हो गए, दो सेकंड रुकना। ठीक है, तो अगर कोई यूएस से कनाडा जा रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज कर रहा है एक जॉब के लिए, साइबेरिया से साउथ एशिया जा रहा है, ये भी एक ही जगह पर है, फॉर बेटर वेदर कंडीशन, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन ही कहेंगे। ठीक है, मूवमेंट इन अर्बन एरियाज इज मोर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। जरूरी नहीं है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में करो, आप एक सिटी से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, आप विदिन द कंट्री, विदिन द कंट्री मूवमेंट करो, कहीं पर भी करो, बस शहर से गांव मत करना। शहर से गांव करोगे तो वो रूरल अर्बन बन जाएगा। ठीक है, आप शहर से और कहीं चले, स्टेट में चले जाओ, प्रोविंस में चले जाओ, किसी रीजन में चले जाओ, लेकिन सिटी जरूरी सिटी टू सिटी होगा, सिटी टू सिटी नहीं, सिटी से बड़ी जगह पर भी आप ट्रांसफर कर हो सकते हो। ठीक है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी पीपल बिगन टू मूव फ्रॉम द कंट्री साइड टू रूरल एरियाज और रूरल एरियाज टू अदर टाउन। 20th सेंचुरी के बाद जब लोगों ने गांव से टाउन की तरफ मूव करना शिफ्ट किया था। ठीक है, दिस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है डोमिनेटेड द पास्ट 50 ईयर्स। वो कह रहा है, अब उन्होंने बता, उन्होंने क्लियर नहीं किया, उन्होंने सीधे से बोल दिया। तो बेसिकली आप दिमाग लगाओ, ये क्या है, गांव से टाउन में जा रहे हो, टाउन क्या होता है, गांव से एक एडवांस जगह है, तो गांव से आप कहां जा रहे हो, एक एडवांस जगह पर, उसको भी क्या बोलेंगे, रूरल टू अर्बन
माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। तो वो कह रहा है दिस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज डोमिनेटेड द पास्ट 50 ईयर्स। तो वो कह रहा है इस तरह का जो माइग्रेशन था ना, ये डोमिनेट करा था पास्ट साल पिछले 50 सालों तक, तो इस तरह के माइग्रेशन ने डोमिनेट किया। डोमिनेट मतलब क्या, यही चला था बेसिकली, जनरली ऐसे ही होता आ रहा था। द रेट ऑफ मूवमेंट इज स्पेशली एक्सेलरेटिंग इन नाइजीरिया। और जो जो स्पीड थी इसकी, रेट मतलब क्या होता था आपका, एक बार स्पीड, तो जो स्पीड थी इस मूवमेंट की, ये बढ़ रही थी कहाँ पर, नाइजीरिया में। नाइजीरिया एक जगह है, ठीक है। इन 1921 की बात है, ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन नाइजीरिया वॉज अर्बन। वो कह रहे हैं केवल 5% ही लोग थे नाइजीरिया में जो कैसे थे, अर्बन थे। बट वन 1991, बट कुछ टाइम बाद दिस इंक्रीज टू 30%, 25% लोग भर चुके थे, 25% लोग वहाँ पर इंक्रीज हो चुके थे। लेगोस, लेगोस एक जगह है विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 8 मिलियन, वहाँ पे 80 लाख लोग ही रहते थे। इज एक्सपेंडिंग एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, वहाँ पे हर साल 10-10% लोग भरते हैं। 10-10% का मतलब, 10-10% का मतलब क्या, 8 लाख पीपल पर ईयर, 8 लाख पीपल पर ईयर भरते आ रहे हैं। मोस्टली द यंगर मेल्स हैव माइग्रेटेड टू द सिटीज, स्पेशली टू द कैपिटल सिटीज एंड पोर्ट्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगर जो मेल बॉय है ना, यंगर जो बॉयज़ हैं वो आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं सिटीज़ में, स्पेशली कैपिटल सिटीज़ में एंड पोर्ट्स में। और कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, एक तो सिटीज़ में आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती हैं बस वहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पर था नहीं आपको ज़्यादा, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन इन्वॉल्व क्रॉसिंग इंटरनेशनल, इंटरनेशनल माइग्रेशन बोले एक्सटर्नल माइग्रेशन बोले, वर्सेस समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और एक्सटर्नल मतलब भी क्या, बाहर से है ना। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन इन्वॉल्व क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, आपको बॉर्डर्स तो क्रॉस करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन अकर ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस सच एज दैट इन बिटवीन मेंबर ऑफ यूएस, मेंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ अ यूरोपियन यूनियन, और कैन इन्वॉल्व मूव्स टू एंटायरली डिफरेंट कॉन्टिनेंट सच एज फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका और इंडिया टू अमेरिका। वो कह रहे हैं कि जब आपका मूवमेंट हो सकता है, हो सकता है आप छोटे छोटे डिस्टेंस में करो। छोटे छोटे डिस्टेंस का मतलब क्या, उन्होंने एग्जाम्पल लिया एक यूरोपियन यूनियन, एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या, उसके अंदर केवल यूरोपियन कंट्रीज है। तो अगर आप यूरोपियन है तो आप यूरोप की दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो अभी हम उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलेंगे। लेकिन सर आप यूरोप के हो, लेकिन आप यूरोप से एशिया जाना चाहते हो, आप यूरोप से यूएस जाना चाहते हो, तो अभी आप जा सकते हो, तो अभी आप जा सकते हो। आप डिफरेंट, आप बिल्कुल ही अलग कॉन्टिनेंट में क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जैसे एशिया से आप अफ्रीका से ले गए, इंडिया से अमेरिका से ले गए, तो ये भी आप कर सकते हो। उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहेंगे। माइग्रेशन इज जनरली कंसिडर्ड अ परमानेंट एक्शन, माइग्रेशन को जनरली क्या समझाते हैं, परमानेंट एक्शन, कि आप उसको बार बार बदल नहीं सकते हो ना, एक बार ले लिया तो ले लिया। ऑल्दो सम पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस फॉर अदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रेदर देन परमानेंटली। हाँ बेसा के कुछ लोग हमेशा के लिए तो नहीं जाते, पर लंबे टाइम के लिए चले जाते हैं, और लंबे टाइम बाद वापस लौट के आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।